हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। यहाँ पे 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि इसका लाभ उनको भी मिले। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, 25 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन जो थे बेहद इंपॉर्टेंट थे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वहीं से ये क्वेश्चन जो है चुना गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण, यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, ठीक है, ये दर्पण है और यहाँ पे ये रेखा किस तरीके से सर्वाधिक, ये जो दर्पण पे छवि का मेल खाएगा खाता है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे अगर हम दर्पण रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो ये जो है तीर जो है ऐसे ऊपर को है, ये इधर लगी हुई है आपकी, ये इधर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे दो है, ये एक तो नीचे है एक तो इधर में है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर में कलर किया गया है और नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में नीचे में ऑप्शन दो यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रहा है, अनुक्रमिक रूप में रखे जाने पर पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्रम वाइज में रखना है, ठीक है, यहाँ पे क्रम वाइज में रखना है, ये आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्रम आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, वाई बी बी फिर रिक्त स्थान दिया गया है, फिर बी वाई फिर रिक्त स्थान, फिर ऐसा करके दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा पहले देख लेंगे किस श्रृंखला में ये चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वाई लिखते हैं, ये वाई है दोस्तों यहाँ पे आपका, ठीक है, ये हो गया आपका वाई, ठीक, वाई बी बी वाई बी वाई वाई बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बार बी था तो वाई लिखा था, तो यहाँ पे दो बार वाई है तो बी लिखेंगे, ठीक है। तो वाई बी, ठीक, वाई बी अभी दो दो जगह पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाई बी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया ऑप्शन दो, यहाँ पे सही हो गया ऑप्शन दो, ठीक है, ऑप्शन दो सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑप्शन में मिल गया, ठीक है, वाई बी बी दो बार लिखा गया है, ऑप्शन दो यहाँ पे सही है, दो मिल गया हमें ऑप्शन, नहीं तो हम पूरा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे श्रृंखला को पूरा कीजिए जो रिक्त स्थान को पूरा करे, ठीक है, उस श्रृंखला को लिखना है जो रिक्त स्थान को पूरा करे, ठीक। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जे के छोड़ दिया गया है एल, एम छोड़ दिया यन, ओ छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, पी, ठीक है, ओ छोड़ के क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ये आपका हो गया पी। फिर देखिए बी 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 सभी में बी ही है, ठीक है, पी बी ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है, आपको तुरंत मिल गया ऑप्शन एक। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस देखना है, लगाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका रीजनिंग में ही सारा टाइम लॉस हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कक्षा में 5 बच्चे अधिक्षमता परीक्षण में शामिल हुए, परिणाम रिपोर्ट में वह पाया गया, यह पाया गया कि बालक, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ठीक है, पूरा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है मैं बता देता हूँ आपको, बालक ए को बी की तुलना में कम अंक मिले हैं, ठीक है, बालक ए को, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, बी की तुलना में ए को कम मिले हैं, और सी की तुलना में, यहाँ पे देखिए बालक सी को डी की तुलना में, ठीक है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बी को सी से कम, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ऐसे, देखिए यहाँ पे ये आगे बना देते हैं, बी को किससे, सी से कम, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया सी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सी होगा, ठीक, सी से कम। फिर आगे क्या कह रहा है, ए को ई से अधिक, ए को जो है मिला है ई से अधिक, यहाँ पे दोस्तों ई लिख देते हैं, ठीक है, ई लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ठीक। तो क्या कह रहा, पूछना क्या चाह रहा है, किस बालक को दूसरे सर्वाधिक अंक मिले, ठीक है, किस बालक को दूसरे सर्वाधिक अंक मिले, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसको मिला है, डी को, फिर उसके बाद सी को मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पे तीन सही हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, असंगत जोड़ी, ठीक है, असंगत जोड़ी, हिरण हिरणी, बिल्ला बिल्ली, चूजा मुर्गी, चींटी रानी, ठीक, यहाँ पे कौन सा गलत है, ऑप्शन तीन, ठीक है, मुर्गा मुर्गी होना चाहिए, ठीक है, मुर्गा मुर्गी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, चूजा मुर्गी, ऑप्शन तीन यहाँ पे जो है ये असंगत है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंगत वर्ड, ठीक है, असंगत वर्ड ज्ञात करना है, ये क्या है असंगत वर्ड, क्या है यहाँ पे ये बताना है आपका, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन दो, आई, ए ई आई ओ यू, स्वर होता है, बाकी सब व्यंजन होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार समान है जबकि एक शब्द जो है असंगत है, यहाँ पे भी दोस्तों असंगत ही बताना है, ठीक है, असंगत ही बताना है। यहाँ पे देखेंगे प्लेटिनम, चांदी, स्वर्ण, ये सब जो है दोस्तों ये धातु है, ठीक है, ये सब धातु है, लेकिन माणिक जो है ये आपका पत्थर है, ठीक है, माणिक पत्थर है, ठीक है, माणिक पत्थर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच समान दूरी पर दोपहर में भोजन के लिए इसी क्रम में गोलाकार क्रम में बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख, ये हम बना लेते हैं गोला, ये हो गया हमारा गोला, ठीक, यहाँ पे गोलाकार बैठते हैं, किस क्रम में बैठते हैं, दक्षिणावर्त में, ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिणावर्त, ठीक, ये हो गया आपका दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में बैठते हैं, सी जो है पूर्व की ओर बैठता है, ये आप पहले हम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, सी कहाँ पे बैठता है, ये यहाँ पे पूर्व की ओर सी बैठ रहा है, ठीक है, सी पूर्व की ओर बैठा है तो जी किस दिशा में बैठेगा, ठीक है, जी किस दिशा में बैठेगा, यहाँ पे हम यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ए, फिर यहाँ पे हो गया बी, तभी तो सी पे सी जो है पूर्व आएगा, फिर यहाँ पे हो गया डी ई एफ जी और ये हो गया आपका एच, ठीक है, आठों हो गए ना, तो जी कहाँ पे बैठ रहा है दोस्तों, ये आपका पश्चिम में बैठ रहा है, कहाँ पे बैठ रहा है, पश्चिम में बैठ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे तीन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही हो जाएगा पश्चिम। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस जो यहाँ पे ये दिया गया है, इसको कौन से यहाँ पे ऑप्शन जो है, कौन सा आकृति यहाँ पे इसको पूरा करेगी, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, अगर हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और ऑप्शन को पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हम उसका तुरंत सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कौन सी आकृति इसे पूरा करेगी, ये आपको आपसे पूछ रहा है कौन सी आकृति इसे पूरा करेगी, ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो कौन सी आकृति पूरा कर रही है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे मिला दिए, ठीक, इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है, इसको ऐसे, तो यहाँ पे यही ठीक है, ठीक, यहाँ पे ऑप्शन तीन ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 35 नंबर के क्वेश्चन जी, यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला को जो पूरा कर रहा है वही आपको भरना है, ठीक है, जी एच आई जे के, ठीक है, प्लस फोर का यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, ओ के बाद प्लस फोर का देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू आर यस, ठीक है, यस हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, यस हो गया, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है, जे के एल, के एल, ठीक है, यहाँ पे एक ही छोड़ा जा रहा है, जे के बाद के छोड़ दिया, एल आ गया, ठीक है, एल के बाद एम एन ओ पी, ठीक है, एस पी, ऑप्शन दो, ठीक है, हमें तुरंत मिल गया क्योंकि और किसी ऑप्शन में यस पी नहीं है, तो ऑप्शन दो हमको सही लगाना है और आगे बढ़ना है, झंझट से मुक्त होना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, अगर यहाँ पे यस पी जो है और भी ऑप्शन में होता है, जैसे यहाँ पे यस ओ पी दिया गया है, यस आर दिया गया है, अगर कहीं पे और भी होता है तो हमें आखिरी जो दिया गया है एम एन का, इसका भी देखना पड़ता है कि कौन सा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत शब्द बताना है, ठीक है, यहाँ पे असंगत बताना है आपको, उद्यान, पार्क, स्कूल, मंदिर, घर, मकान, ठीक है, घर मकान, ठीक, यहाँ पे घर मकान रहने के लिए है, ठीक है, घर मकान जो है यहाँ पे ये रहने के लिए है, स्कूल पढ़ाई करने के लिए, मंदिर पूजा करने के लिए, पार्क टहलने के लिए होता है, ठीक है, पार्क टहलने के लिए होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे
देखिए दिया गया श्रृंखला को पूरा करता है जो उसको उस शब्द को लिखना है, ठीक है, यहाँ पे जो श्रृंखला को पूरा करे, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, छः दिया गया है, 6, 11, 20, 45, 134, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्ग करके दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 5, फिर हो जाएगा आपका 9, फिर क्या हो जाएगा आपका 25, फिर 25 के बाद 89 हो गया, ठीक है, आपका 89 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 2, 4 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 4 और 16, यहाँ पे 4 का वर्ग है, फिर 8 का वर्ग है, फिर इस तरीके से 16 का वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 16 का वर्ग करके 134, यहाँ पे 16 का वर्ग करेंगे फिर जोड़ देंगे किसमें, ठीक है, किसमें जोड़ेंगे, 89 और 134 जो है आपका इसमें जोड़ देंगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। आपको ना समझ में आए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, ग्रुप का नंबर है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस विकल्प में जो है यहाँ पे दर्पण रखा गया है, ठीक है, दर्पण रखा गया है और छवि कौन सी मेल खाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये दर्पण है आपका, कौन सी छवि मेल खा रही है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पे दर्पण रखेंगे, आप लोग प्रैक्टिकली अभी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, कॉपी में लिखिएगा ये शब्द, फिर उसके ठीक सामने शीशा, शीशा समझते हैं ना, शीशा रखिएगा तो उसमें स्पष्ट दिख जाएगा आपको कि कौन सा है, ठीक है, कौन सा सटीक है, यहाँ पे कौन सा सही है और नहीं उससे भी नहीं बात बन रही है। तो आप पेपर पे लिखिएगा पारदर्शी, जो पेपर जैसे देखिए एक पेपर पे लिखिएगा, मोटा पेपर ना रहे, पेपर पे लिखिएगा, उसको आप पलट दीजिएगा, ठीक है, आप पलट दीजिएगा तो आपको स्पष्ट जाहिर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका, सही है आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, ठीक, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे असंगत शब्द का यहाँ पे चयन करना है, असंगत शब्द का चयन करना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं असंगत शब्द कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3, 2, 19, 32, 19, 21, 51 ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 3, 2 कितना है आपका, 3, 2, 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ करके लिख देते हैं हम, 3 + 2 और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 9, 1, 10 होता है, ठीक है, 9, 1, 10। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जोड़ के फिर गुणा कर देना है, फिर आपका सामने वाले डिजिट को फिर जोड़ देना है, अगर आपका इक्वल आ रहा है तो सही है, नहीं तो आपका गलत है, ठीक है, नहीं तो आपका गलत है। इस क्रम में अगर हम सभी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूरा करना है, यहाँ पे इसका जो क्रम है, यहाँ पे अगला शब्द कौन सा आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, और यहाँ पे ऐसे पूरा देख लेते हैं, पूरा देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सब कुछ। देखिए यहाँ पे 1 जितने भी विषम संख्याएं हैं सभी का वर्ग करके लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ये हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 9। फिर यहाँ पे हम 11 का वर्ग करके जोड़ देंगे, 11 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ठीक है, 11 में कितना होता है आपका, कितना होता है 121 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 290। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कथन और निष्कर्ष देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया दे रहा है, सभी सफ़ेद गुलाबी हैं, ठीक है, ये आपका हो गया सफ़ेद, ठीक है, ये आपका हो गया सफ़ेद, ठीक है, ये आपका हो गया गुलाबी, ठीक है, ये आपका हो गया गुलाबी, और सभी हरे गुलाबी हैं, ये आपका हो गया हरा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये आपका हो गया सफ़ेद, ये हो गया हरा, ये हो गया गुलाबी, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ गुलाबी हरे हैं, ठीक है, कुछ गुलाबी हरे हो सकते हैं, ठीक है,
और कुछ गुलाबी सफ़ेद भी, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन फोर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फोर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक वॉच कीजिए। यहाँ पे देखिए चिन्ह का परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है। सभी यहाँ पे दिया गया है, प्लस को गुणा, माइनस को प्लस और गुणे को भाग, भाग को माइनस करके लिखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा दो, ठीक है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चिन्ह परिवर्तित कर दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप, आपका कितना आ रहा है। हमारे हिसाब से तो ऑप्शन दो यहाँ पे सही है, ठीक है। कितना, ऑप्शन फोर, गलती से मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन फोर सही होएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 का ही लघुत्तम बन रहा है, ठीक है, 12 का ही, तो इसलिए ऑप्शन फोर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम चिन्ह का परिवर्तन कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका गुणा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे भाग की जगह पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे गुणे की जगह पे भाग हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन फोर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों वेन आरेख को, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही दर्शा रहा है। यहाँ पे दो दे रहा है दोस्तों, आगे देखते हैं, यहाँ पे भी दो है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की दो वर्गों में विभाज किया गया है, मनोविज्ञान को और समाजशास्त्र को। सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है, इसको दो वर्गों में जो है बेहतर ढंग से बनाने के लिए दर्शाया गया है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन एक यहाँ पे सही है, ऑप्शन एक, ठीक है, ऑप्शन एक सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो श्रृंखला में अगला आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो श्रृंखला में अगला आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा देख लेते हैं, एक ऊपर को गया है, फिर नीचे को, फिर एकदम नीचे, ये ऐसे करके बनाया गया, ठीक है, ऐसे करके बनाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन तीन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन टू, ठीक है, ऑप्शन दो, ठीक है, ऑप्शन दो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन दो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। पहले उस विकल्प का यहाँ पे दिया गया है जो पहले का इस तरीके से दिया गया है, जिस तरीके से पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, उसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमें बताना, अगला ऑप्शन जो यहाँ पे पूछ रहा है वो बताना है हमें, ठीक। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है ये हम लोग पहले डिस्कस कर, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 90 लिख दिया गया है, 3 को 90 लिख दिया है। कैसे लिखा है अभी तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, कैसे लिखा गया अभी तो नहीं पता, लेकिन पता चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता चलना चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो क्या है कि 3 का 90 लिखा गया है, 5 का क्या लिखा गया है आपका 130, ठीक है, 5 का 130 लिखा गया है, तो 7 का क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा है, ठीक है, 7 का क्या लिखेंगे ये ही आपसे पूछा है। तो देखिए 3 का क्या, जो 3 का लिखा गया है वही हम 7 का लिख देंगे, ठीक है, जो 3 का लिखा गया है जिस तरीके से उसी तरीके से हम 7 का लिख देंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, फिर भी बहुत कम है, फिर 9 का वर्ग कर देंगे फिर भी बहुत कम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 3 का 4, 3 की घात 4 प्लस 3 की घात 2 करके हम करेंगे तो देखिए 3 की घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 9, फिर हो गया कितना 90, ठीक है। इसी तरीके से 7 का भी कर लेंगे, 7 का वर्ग, 7 की घात 4 करके 7 का वर्ग कर लेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन एक, ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन एक, ठीक है। 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24, 0, 1 प्लस 7 का वर्ग सभी को पता है 49 होता है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ऑप्शन एक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय एक बालक जो है, एक लड़का जो है ये अपने घर से निकलता है, ठीक है, सूर्योदय के समय। यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ये आपका हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका
उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, किस तरफ से निकल किस तरह सूर्योदय के समय निकल रहा है, तो वो पश्चिम की तरफ ही जाएगा, ठीक है। पूरब सूर्योदय होता है, सूर्योदय क्या क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 4 किलोमीटर गया यहाँ से, ठीक है, ये 4 किलोमीटर गया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया 6 किलोमीटर, ठीक है, दाईं ओर 6 किलोमीटर गया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया 6 किलोमीटर, ठीक है, ये 6 किलोमीटर गया। तो आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ से जो चला था, ठीक है, यहाँ से जो चला था उसकी दूरी, यहाँ से दूरी नहीं दोस्तों, यहाँ पे दिशा पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका हो गया उत्तर और ये आपका हो गया पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, ऑप्शन एक यहाँ पे सही है, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कूट भाषा में दिया गया है, अगर दोस्तों आपने कूट भाषा का कूट वाला आपने कूट भाषा वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। अगर आप लोग ने देख लिया वीडियो, आपने देख लिया तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, DRONEWILMEN, ठीक है, यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखा गया है, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा आपका W, ठीक है, डी का हो जाएगा आपका W और ओ का क्या हो जाएगा L, ठीक है, यहाँ पे अभी सभी में L है। फिर क्या हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा आपका M, M का N, N का M, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है, WLM, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे मिल गया हमें, ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे दे रहा है रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय, ठीक है, यहाँ पे पूरा दोस्तों ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ बना, यहाँ पे हम ग्राफ बना दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे भी न समझ में आए आपको आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कह क्या रहा है, ये पहले क्या पश्चिम की ओर चला, ठीक है, पश्चिम की ओर चला 20 किलोमीटर, फिर किस तरफ मुड़ा, 20 किलोमीटर गया, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा 9 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, यहाँ पे 9 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा, फिर किस तरफ मुड़ रहा है, दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की इसको दूरी यहाँ से इसकी दूरी पूछी गई है कि कितनी दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी पे है, यही आपसे पूछा गया है। आप लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लिखेगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे असंगत शब्द का चयन करना है, ठीक है, असंगत शब्द जो है यहाँ पे चयन करना है उसका, ठीक है। तो देखेंगे 3 का 9 और 3 7 9 7 फिर 42, ठीक है, 3 7 9 7 42, 3 का अंतर, और देखिए दोस्तों 3 का 7 7 में 3 का माइनस कर दिए और 9 का 2 में माइनस कर दिए तो 42 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 9 का 4 में करेंगे, ठीक है, 9 का 4 में और अगला आगे क्या है अंतर, इसी तरीके से सभी का अंतर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी अंतर आ रहा है तो ऑप्शन जो है यहाँ पे 1 जो है ये भिन्न है, ठीक है, 1 जो है आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका भिन्न है, ठीक है, ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपका भिन्न है क्योंकि ये डिजिट बना ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिजिट जो है धनात्मक बना रहा है, बकिया सभी ऋणात्मक बना रहे हैं, ठीक है, बकिया सभी जो है ऋणात्मक बना रहे हैं और ये ऑप्शन 4 जो है आपका ये धनात्मक बना रहा है, इसलिए ये आपका असंगत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है, ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या दिया गया, ए बी सी डी, फिर आगे क्या लिख देंगे हम भी सोचने की बात ही नहीं है, ई लिख देंगे, ठीक है, ई अभी हमारे पास 2 जगह पे है, फिर क्या है के एल एम एन ओ, ठीक है, ओ लिख दिए, ओ भी 2 जगह है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे भी आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।